एक तरफ जहां गाजा में इजरायली सेना हमास से जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला उत्तरी इजरायल पर आग बरसा रहा है। हिजबुल्ला लगातार अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से आईडीएफ को गहरी चोट दे रहा है, और इसके साथ ही यमन का हूती समंदर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर कहर बरपाने के साथ साथ इजरायल के ईलट बंदरगाह पर इराकी प्रतिरोधियों के साथ मिलकर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। और इस सब के बीच अब इजरायल को एक ऐसा झटका लगा है जो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेल अविव में हुए अमेरिकी दूतावास के पास हुए एक ड्रोन हमले की। 19 जुलाई 2024 की रात को तेल अविव में अमेरिकी दूतावास के बेहद ही करीब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका एक ड्रोन अटैक की वजह से हुआ, और इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया है जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 लोग ड्रोन की चपेट में आकर या धमाके की आवाज से घायल हुए हैं, जबकि 4 अन्य लोग एकदम दहशत में आ गए थे। और इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब ये ड्रोन तेल अविव में घुसा तो इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और ना ही हवाई हमलों के सायरन तक बजे। और इस हमले को लेकर यमन के हुती का कहना है कि उसने तेल अविव पर ड्रोन से हमला किया है, और ये अटैक गाजा में उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। इस हमले को लेकर हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने बयान भी दिया है। उनका कहना है कि इस ड्रोन को दुश्मन के रेडार और इंटरसेप्शन सिस्टम को भेदने के लिए बनाया गया था। ये ड्रोन अपने टारगेट पर पहुंचा और उसने अपना उद्देश्य भी हासिल किया। نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها وقد حققت العملية أهدافها بنجاح إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسي في مرمى أسلحتنا وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق. وهين دوسري طرف اس حملے کے بعد تیل اویو کے میئر رون ہولدائی نے पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि युद्ध अभी भी यही है और हम आगे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि तेल अविव में जिस बिल्डिंग के ऊपर ये ड्रोन हमला हुआ है वो बेन यहूदा स्ट्रीट पर है, और जिस ड्रोन ने इस बिल्डिंग पर हमला किया वो समुद्र के रास्ते बेहद ही कम ऊंचाई से उड़ते हुए इस बिल्डिंग पर आ गिरा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस ड्रोन ने कैसे इजरायल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। आपको बता दें कि इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ड्रोन के फटने से पहले उससे आवाजें आ रही हैं। वहीं इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई ड्रोन इस इलाके में गिरे हैं, लेकिन इजरायली सेना ने अभी तक इसको लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी है। लेकिन इस ड्रोन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये ड्रोन रीअसेंबलिंग करके बनाया गया था जो हिजबुल्ला का है। वहीं तेल अविव में ये धमाका हुआ तो उसके बाद इजरायली मीडिया ने ये भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने कथित रूप से इजरायल की तरफ बढ़ रहे 4 ड्रोन्स को मार गिराया था। हालांकि इस दावे को लेकर भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।